हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी आई रियली होप सभी हेल्दी होंगे सेफ होंगे और अपने घर पे अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वेरी वॉम वेलकम फ्रॉम माई साइड ऑन दिस ग्रेड अप प्लेटफॉर्म द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेड अप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सी एस आई आर नेट एग्जाम अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस सीरीज जैसा कि आप अपने मेरे आपके सामने जो स्लाइड है उसको देख सकते हैं इट इज अ सीरीज जिसको मैंने नाम दिया है कैन यू सॉल्व दिस सो इस सीरीज में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है और ऐसे क्वेश्चंस सी सेक्शन के क्वेश्चंस का पार्ट होते हैं तो आज के सीरीज में सॉरी uh, आज के सेशन में इस सीरीज के आज के सेशन में विच इज पार्ट टू ऑफ दिस सीरीज ये सेकेंड सेशन है इस सीरीज का सेकेंड वीडियो है इस सीरीज के लिए और आज हम पीसीआर बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे पार्ट वन के अंदर मैंने रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से एसोसिएटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था आई होप सभी को वो क्वेश्चन ढंग से समझ में आया होगा तो चलिए स्टूडेंट्स इट्स कैन यू सॉल्व दिस पार्ट टू विथ मी संजय पुरोहित एंड टूडेज क्वेश्चन विल बी बेस्ड अपॉन पी सी आर टेक्निक तो सबसे पहले हम पी सी आर का एक ब्रीफ आइडिया लेंगे वॉट इज पी सी आर फुलज पॉलीमर एस चेन रियक्शन ये एक ऐसा टेक्निक या ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप डी एन ए के एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को या डी एन ए के एक पर्टिकुलर पार्ट part को उसको एम्पलीफाई कर सकते हो इन uh, दूब या इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन कर सकते हो और बाद में आप उस डीएनए फ्रेगमेंट का मॉडिफिकेशन, क्लोनिंग या फिर एक पर्टिकुलर टाइप के डीएनए के डिटेक्शन में जैसे कि अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें कोविड के आर या फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए आरटीपीसीआर यूज किया जाता है राइट सो बेसिकली पीसीआर और इस के स्टेप का जो होता है, वो नाइनटी फोर से नाइनटी एट डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिक्वायर्ड प्रोटोकॉल और डीनेचुरेशन का मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रेंड एक दूसरे से, से जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं दोनों स्ट्रेंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है दैट इज कॉल्ड उसके बाद में जिस फ्रेगमेंट को आपको एम्प्लीफाई करना है उसके कोरस्पॉन्डिंग दोनों एंड्स के ऊपर प्राइमर्स को ऐड किया जाता है जिस भी फ्रेगमेंट को जिस भी डीएनए सेगमेंट को आपको एम्प्लीफाई करना है उसके दोनों एंड्स के ऊपर फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं प्राइमर्स के एडिशन को अनिलिंग कहते हैं तो ये है पीसीआर रिएक्शन का स्टेप नंबर टू अनिलिंग एडिशन ऑफ द प्राइमर्स एट फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्पेसिफिक लोकेशंस। और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 55 से 62 या 64 डिग्रीज़ तक हो सकता है ये डिपेंड करता है किस तरह का प्राइमर है जीसी रिच या एटी रिच उसके बेसिस पे अनिलिंग टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन इस थर्ड स्टेप के अंदर थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है व्हाट इज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो कि हाई टेंपरेचर पे डीएनए का एक्सटेंशन कर सके या पॉलीमराइजेशन कर सके सो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज ऐसे बैक्टीरिया से ऑप्टेंड होते हैं जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एक बैक्टीरिया का नाम है टेक थर्मस uh, एक्वाटिकस जिससे कि टैक पॉलीमरेज टेक डीएनए पॉलीमरेज हमें मिलता है इसी तरह से पायरोकोकस फ्यूरियोस जिससे कि पीएफयू पॉलीमरेज मिलता है तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है थर्मोस्टेबल या हॉट वाटर स्प्रिंग में रहने वाले बैक्टीरिया जिसके डीएनए पॉलीमरेज को यूज किया जाता है ये डीएनए पॉलीमरेज डी या डीएनए एन न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके और फ्रेगमेंट को एम्प्लीफाई कर देता है इसका टेम्परेचर 72 से 74 डिग्री के बीच में इस रिएक्शन का टेम्परेचर रखा जाता है और इसको कहते हैं एक्सटेंशन तो पहली रिएक्शन थी डी दोनों स्टेंट्स का सेपरेशन देन अनिलिंग और उसके बाद में फ्रेगमेंट्स का एम्प्लीफिकेशन या पॉलीमराइजेशन जिसे एक्सटेंशन कहते हैं और ये किया जाता है बाय थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इसमें डीएन ऐड किए जाते हैं जल्दी से ओवरऑल पीसीआर को देखिए 94 डिग्री पे ये दोनों अलग अलग हो गए उसके बाद फिफ्टी फाइव डिग्री प्राइमर्स का एडिशन हो गया और सेवन टू डिग्री पर टेक या किसी भी थर्मोस्टेबल ने इस तरह से फ्रेगमेंट बना दिए ऐसे अगर हम बहुत सारे साइकल्स करते जाएंगे थर्टी साइकल्स में डीएनए बहुत ज्यादा एम्प्लीफाई हो जाता है इस तरह से डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है बाय पी सबसे पहले डीनेचुरेशन फिर अनिल प्राइमर्स का एडिशन उसके बाद में थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जैसे कि टैग डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंशन करके नया डीएनए फ्रेगमेंट बना देगा इस तरीके से बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे और डीएनए एम्प्लीफाई हो जाएगा पीसीआर रिएक्शन को किस तरह सेट किया जाता है स्टूडेंट्स पीसीआर रिएक्शन में एक टेस्ट रिएक्शन रखी जाती है जिसमें टेंपलेट डीएनए जैसे कि किसी ह्यूमन जीन को आपको एम्प्लीफाई करना है तो उसके लिए टेम्पलेट डीएनए ह्यूमन डीएनए हो जाएगा इसके अलावा थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज जैसे कि टैप या पीएफयू जो मैंने एग्जांपल बताए डीएनटीपीज डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर्स और इसके अलावा एमजीसीएल2 अगर जरूरत हो तो क्योंकि जो थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है ये डीएनए पॉलीमरेज एमजी प्लस 2 को एस कोफैक्टर यूज करता है इस टेस्ट रिएक्शन के अलावा हम टेस्ट रिएक्शन की ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए एक नेगेटिव कंट्रोल भी सेट करते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं आना चाहिए रिएक्शन टे, टेस्ट रिएक्शन जैसी ही होती है बस टेम्पलेट डीएनए को ऐड नहीं करते विदाउट टेम्पलेट डीएनए ये रिएक्शन यूज की जाती है। तो स्टूडेंट्स इस नेगेटिव कंट्रोल से हमें यह पता चलता है कि टेस्ट रिएक्शन ढंग से हुई है सो टेस्ट रिएक्शन में टेम्पलेट डीएनए और बाकी सारे एलिमेंट्स नेगेटिव कंट्रोल उसमें बाकी एलिमेंट टेम्पलेट डीएनए नहीं होगा और इसमें डीएनए एम्प्लीफिकेशन नेगेटिव कंट्रोल से कोई डीएनए एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलना चाहिए इसमें रिजल्ट जीरो आना चाहिए ये पहले से तय है तो इस तरह से पीसीआर रिएक्शन सेट की जाती है ये था पीसीआर का ओवरव्यू अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा और अगर आप अपना आंसर वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से क्वेश्चन क्या है पहले एक किया गया एक का जो कि 800 हंड्रेड बेसपेर का है के और उसके बाद आउटकम को जेल पे चलाया गया और उसका रिजल्ट कुछ ऐसा था टेस्ट रिएक्शन में भी हमें 800 का फ्रेगमेंट मिला और नेगेटिव कंट्रोल के अंदर भी मिला जबकि नेगेटिव कंट्रोल में नहीं मिलना चाहिए था सो व्हाट आर पॉसिबल रीजन बिहाइंड इट एक से ज्यादा पॉसिबल रीजन रिज, हो सकते हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक से ज्यादा पॉसिबल रीजन हो सकते हैं इस नेगेटिव कंट्रोल में एक डीएनए बैंड के मिलने की वजह एक तरीके से स्टूडेंट्स so, आपको वो पॉसिबल रीजंस मुझे बताने हैं इन कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और क्वेश्चन का जो आंसर है वेरिफिकेशन मैं आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करूंगा इसके अलावा आपको डिटेल आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा आई होप आपको इस तरह का ब्रेन स्टॉमिंग सीरीज पसंद आ रही होगी आप ये वीडियो या सेशन ये शॉर्ट वीडियो आप देख रहे थे ग्रेडअप के सी एस आई आर नेट की प्रेपरेशन वाले चैनल पर ग्रेडअप

और ये जो पूरा सीरीज कैन यू सॉल्व दिस जो मैं कंडक्ट कर रहा हूं उसके क्वेश्चंस के डिटेल आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे ये पीपीटी और इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा सो सी यू स्टूडेंट्स इन दी अदर सेशन ऑफ कैन यू सॉल्व दिस एक और छोटे से टॉपिक और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम को लेके मैं अगले सेशन में आपसे मिलूंगा टिल देन Stay safe, stay healthy, and keep reading. Thank you so much.